अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो कल हमारा लेक्चर ये था कि जैसे हमने मैंने सिखाया था आपको कि जैसे हम ओपन करते हैं फोल्डर को, ये स्कोप फोल्डर को, तो इस तरह हमारे पास ये ओपन होता है एनिमेशन के अंदर। तो आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं कॉपी करके यहीं पर पेस्ट कर लेता हूँ, न्यू बनाने की हमें ज़रूरत ना पेश आए। तो इसके अंदर मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि इसके अंदर मैं आपको इमेजेस लगाना सिखाऊंगा। नहीं जी, ये ओपन करते हैं, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। ओपन करता हूँ सबलाइन टेक्स्ट 3 को। तो इसके अंदर हमने एनिमेशन यही जो लगाई है 5 वाली, ठीक है, इसी को मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ। जी ये हमारे पास हो चुकी है जी ओपन। अब मैंने लगाना है इसके अंदर इमेजेस। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से देख के ना यहाँ तक, चलें जी पहले ये वाला हिस्सा यहाँ से देख के यहाँ तक इसको रिमूव कर देते हैं सारे को, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लगाता हूँ एक इमेज का टैग और मैं कहता हूँ इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाए। इमेज जो है ना इसके अंदर कौन सी इमेज पड़ी है हमने अभी ओपन करनी है, यहाँ से मैं कहता हूँ इसके जो 13 और 14 जो है ना वो लगा दे, इमेज 13.jpg ये लगा दी जाए, ठीक है। और इसको करते हैं ओपन। अब ये देखते हैं, अभी तक ये हमारे पास इमेज आ चुकी है, बाकी अभी वर्क वही है, ठीक है। ये देखिए, और मैं क्या करता हूँ जी, इसकी विड्थ और हाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ। मैं कहता हूँ इसकी जो एक हाइट है ना वो भी 400 हो और इसकी विड्थ वो भी 400 हो, ठीक। अब करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए, ये हमारे पास इमेज आ चुकी है। एक इमेज हमने बोला था यहाँ पे, ये फॉन्ट था हमारे पास। अच्छा, ये ओपन तो फॉन्ट ही हो रहा है क्योंकि ये फॉन्ट के अंदर हमने लगाई है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। ये देखिए, अगर मैं क्या करूँ, ये फॉन्ट को ख़त्म कर दूँ, ये कलर और डार्क कलर, अच्छा जी ये स्टाइल यहाँ से लेके यहाँ तक इसको करते हैं जी कट, और इस वाले एरिया के अंदर आगे कर देते हैं इसको पेस्ट, और इसको एक आईडी देते हैं ASD की, और ये फॉन्ट को भी ख़त्म कर देता हूँ मैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ जी। और यहाँ पे आना है, अब ये फॉन्ट वाला था इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और आईडी लगाता हूँ ASD कि इसको ऊपर वर्क को कॉपी करते हैं। तो ये देखिए, ये वही चीज़ हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब मैंने करना है क्या जी, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है कॉपी, और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे 13 की बजाय यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ पे 14 आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि HTML4.gif ये भी आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके करता हूँ इनको रिफ्रेश। ये देखें, और ये देखें, ये हमारे पास अच्छा इमेज नहीं है किस वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी मेंशन नहीं की। आईडी इसको 2 कर दो, ASD इसको 1 कर दो, फिर यहाँ पे आ जाते हैं और इसको यहाँ से करते हैं इधर कॉपी, और करता हूँ कि 1 फिर पेस्ट और 2 जी। रिफ्रेश किया, अब हमारे पास सारी इमेजेस ऐसे ही ओपन होंगी, ठीक है। तो ये डोमेन की वजह से ऐसे थोड़ा स्लो होता है, जब आप अच्छी डोमेन और होस्टिंग लेंगे तो ये परफेक्ट नज़र आएगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई मसला रह गया तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो कल के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।